Are all safe and healthy in your home. In this challenging time, we need to do the best we can for our students. As our former President of India and Bharat Ratna, APJ Abdul Kalam has said, every teacher once was a student, every winner once was a loser, every expert once was a beginner, but all of them have crossed the bridge called learning. On this note, I, Jyoti Rathor, Assistant Professor Chemistry, on behalf of Government EVPG College, Korba, extend my warm welcome to all the dignitaries, resource person, faculty of our college, and participants of various colleges in this webinar, which is our Principal Sir initiative. Now, I request Dr. Sandeep Shukla Sir, convener of the webinar, to brief about this webinar. आप सभी को नमस्कार। आज इनिशिएटिव फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचर्स लीडरशिप इफेक्टिवनेस विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय वेबिनार में उपस्थित मुख्य अतिथि श्री अजित कुमार जी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई, स्टेट प्रोग्राम मैनेजर NUSSD छत्तीसगढ़, महाविद्यालय के प्राचार्य हमारे संरक्षक और मार्गदर्शक डॉक्टर आर.के. सक्सेना सर, कार्यक्रम में उपस्थित रिसोर्स पर्सन श्री मृत्युंजय कुमार रंजन, प्रोग्राम ऑफिसर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई एवं श्रीमती रीमा दत्ता असिस्टेंट प्रोफेसर DLS कॉलेज बिलासपुर, और आप सभी प्रतिभागियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। COVID-19 से उपजे संकट ने हमें तकनीकी तौर पर और काफ़ी समीप ला दिया है, और इस तरह के वेबिनार के माध्यम से हम दिन प्रतिदिन कई बार एक ही दिन में कई बार आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को एक शिक्षक होने के नाते अगर हम मार्गदर्शन देने की बात करें तो हमें ICT से यूजफुल होना ही पड़ेगा। RA Lamb ने कहा है कि शिक्षकों को केवल शिष्यों के दिमाग में ज्ञान नहीं भरना है, उनमें चरित्र की आधारशिला भी रखनी है, उनमें साहस, उनमें आत्मविश्वास भी हमें पैदा करना है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हमने यह वेबिनार आयोजित किया है, और मुझे लगता है कि IQAC द्वारा ऑर्गेनाइज इस वेबिनार के बाद आप में कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर स्किल कॉम्पिटेंस एबिलिटी जैसे गुण विकसित होंगे। एक शिक्षक होने के नाते नेतृत्व की क्षमता हम में हमेशा ऐसे रहती है, जरूरत उसको धार देने की है, जरूरत उसको मांझने की है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस वेबिनार के बाद जिसमें हम शिक्षकों में लीडरशिप की क्वालिटी को हम कैसे विकसित करें, उसको कैसे धारदार बनाएं, इस पर बात करेंगे। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि वेबिनार के अंत में हम सब काफ़ी अच्छे से अपने आप में चेंज देखेंगे, और ये चेंज ना सिर्फ हम में बल्कि हमें हमारी संस्थाओं में भी दिखेगा, हमारी संस्थाओं को भी एक नया आयाम देगा। इसी के साथ मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू सर। It is my honor to welcome the honorable and energetic principal, Dr. R.P. Saxena, sir, for the speech. Sir, go on mute. नमस्कार। शासकीय ईवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोरबा के IQAC द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में मैं सबसे पहले श्री अजीत कुमार जी मुख्य अतिथि,
जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के स्टेट प्रोग्राम मैनेजर हैं, अपने स्पीकर श्री मृत्युंजय कुमार जी, प्रोग्राम ऑफिसर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूट, और श्रीमती मिस रीमा दत्ता, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ इस वेबिनार में शामिल हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय हम लोगों ने चुना है, ये आज के तारतम्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षकों की समाज में भूमिका बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। आज शिक्षकों को अध्ययन अध्यापन के साथ साथ नव युवाओं को नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक दायित्वों का भी ज्ञान देना आवश्यक हो गया है। एक तरफ विज्ञान एवं तकनीकी के विकास की बात करें तो शिक्षकों को आधुनिक टीचिंग एड्स के उपयोग में निपुणता लाना आवश्यक है, तथा समाज में प्रचलित विभिन्न चुनौतियों से जूझते छात्र छात्राओं को अध्यापन के साथ उनका मार्गदर्शन एवं परामर्श करना आवश्यक है। आज के वेबिनार में मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि एक शिक्षक मूल रूप से छात्र ही होता है, और ये सीखने की जो प्रक्रिया है वो निरंतर होना चाहिए। आज हम लोग यहाँ पर कुछ सीखने के लिए उपस्थित हुए हैं, और निश्चित रूप से जो एक ट्रेडिशनल जो टीचिंग से हट के आज हम लोग टीचर्स के लिए जो चुनौतियाँ हैं, टीचर्स का जो स्किल है उसको और उसमें कितना और निखार ला सकते हैं, और उसके लिए ये प्रयास किया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के वेबिनार के बाद हम सब अपने में कुछ परिवर्तन लाएं, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। और मैं पुनः इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जो हमारी IQAC टीम है, डॉक्टर संदीप शुक्ला, डॉक्टर SK यादव, श्री राजकुमार जी और मिस ज्योति राठौर, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके अथक प्रयास से ये वेबिनार हमारे महाविद्यालय में संपन्न हो रहे हैं। मैं डॉक्टर संदीप शुक्ला से अनुरोध करूँगा कि अब आगे की कार्रवाई की जाए। थैंक यू। Thank you, Principal Sir, for your encouragement and good faith in us. We hope we live up to your very high standard. This brings us to the chief guest, Sri Ajit Kumar, State Program Manager, Tata Institute of Social Science, Mumbai. Welcome, sir. Thank you, everyone. Good afternoon, everyone. Bahut bahut dhanyawad aap logon ka. So I would like to express my gratitude towards Principal Sir, the faculty members of the college, my colleagues from TISS for inviting to this special event organized by VPG College, Korba. As we all know that during these unprecedented times when the whole world is stuck at their homes, this technological transformation has made it possible for all of us to come together and connect at one platform and share our knowledge with each other. So definitely this is a great beginning, definitely. And also I would add that education is one among the scores of this sector that has been severely affected by this lockdown. Typically students used to witness a flurry of activities around this time of the year, but schools, colleges worldwide have been closed on premises operations to protect students and prevent contagion also. But however, it has not stalled the academic session. Instead, schools, colleges, educational institutions in India and across the world, they were very quick to shift teaching and learning to online, So I would say that education institutions of every size, kind are finding it very valuable to shift classes to virtual platforms. As far as today's agenda is concerned, I would also like to add a few points that the fourth industrial revolution and the rapid development and integration of new technologies in the society and in the industry are currently having an unprecedented impact on the world of work, in fact, I should say. On the one hand, a variety of manual and cognitive tasks are increasingly being augmented by machines and algorithms,
or it has, in fact, in some cases it has been automated as well. But thus, you know, it is the need of the present times that we need to get skilled, reskilled, and upskilled. In fact, I would like to mention here that on 15th of July, on World Youth Skills Day, our Honorable Prime Minister, he delivered a statement through his video address that the mantra to be relevant is to skill, reskill, and upskill. So definitely this kind of program that is being conducted by VPG College, I would say that it is definitely complementing to this mantra. So thank you so much, sir, for organizing these kind of taking these kind of initiatives and organizing programs like this. Apart from the technological skills, knowledge skills, there are certain soft skills areas that we should also work upon. This is what we feel at AISS. Like today's topic, it hovers around this leadership skills. And I would like to mention that it is a very important aspect that needs to be practiced by everyone. But apart from this, I would also suggest that, you know, we can also provide some training in the areas like analytical skills, design thinking, emotional intelligence, decision making. These are to name a few. There are many more skills because, you know, it is the much required skills and these are being tested in today's time in almost every industry, I should say. And education industry is no different. हमारे यहाँ अभी एजुकेशन इंडस्ट्री में भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसके अलावा सॉफ्ट स्किल को भी डेवलप करने का बहुत जरूरत है. और कहीं ना कहीं अगर हम ये रिपोर्ट्स भी देखेंगे पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो PwC की रिपोर्ट हो, मैकेंजी की रिपोर्ट हो, या हर जगह ये चीज अब निकल के सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं ये बदलाव जरूरत है आज के जमाने की. तो आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ अबाउट द प्रोग्राम, अबाउट अ प्रोग्राम दैट इज बींग रन इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़. And I know I won't take much of the time because an important session lies ahead. So just give a brief, I would say that this Tata Institute of Social Sciences, it was established in 1936. It was as the Sir Dorabji Tata Graduate School of Social Work. In 1944, it was renamed as Tata Institute of Social Science. Then in 1964, there was an important landmark in the history of this institute when it was declared deemed to be a university under Section 3 of UGC Act 1956. TISS, I would say, it is a community engaged social science university with an educational ecosystem where, you know, students learn to ideate, innovate, and also translate what they learn for initiating change in the society. To add to this, I would say that TISS was accredited by NAC and was awarded grade A+ with score of 3.89 out of 4. Now, coming to the program that we are running across the state, in fact, I would say across India, I would say what was the problem statement that led us to, you know, start this program? So what happened is, you know, the employability of India's university graduate, it continues to remain weak, even while there is an acute shortage of skilled human power in an increasing number of high demand sectors. So unfortunately, though the youth have educational degrees, they lack the skills and the experience to get employed. So the TISS believes the employability gap between the country's graduate and the demand by the industry that needed to be urgently addressed. And thus in 2013, this flagship skill enhancement program, the National University Student Skill Development Program, acronym for which is NUSSD, was launched along with the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, and NSDA, National Skill Development Agency. So I'm happy to share that currently we are running this program in 7 states, which includes 2 state government projects, that is in Jharkhand and Andhra Pradesh. With more than 200 colleges on board, we have trained more than 25,000 students across India. We have added 2 states, that is Gujarat and Tamil Nadu. We are going to start project in that state as well. A lot of other state government have initiated. They have asked us to come and collaborate with them and start another project. It is in North and Northeast. Now, if I talk about the program that we are running, I would say like NUSSD, it is aligned to the SDGs set by United Nations. And, you know, it finds its mandate particularly interlinked to the fulfillment of SDG 4, that is quality education, and SDG 8, that is decent work and economic growth directly, and many other goals indirectly as well.
The NUSSD, it embeds itself within colleges, especially those that service low income communities and provide readiness and domain skill training to the students. In fact, I would say in recognition of the efforts and impact, United Nations Steering Committee on Children and Youth recognized the NUSSD program as a skill development best practice in the country. Also, what we do is in NUSSD, students are given exposure of real working world through large scale events, internship, externships, special sessions by industry experts, you know, mentoring programs, and so on. There are a lot of activities that we keep on doing parallelly. So all these experiences, you know, they make them skilled graduates and place them one level higher than the freshers in the job market. The skilled graduates are linked to the employment after the completion of the training. Given that the candidates, they hail from the humble background, the program has brought about a significant change for the better in the lives by making them employable and linking them to the employment. Now, I would also like to add here that NUSSD brings a lot of value to the table. In fact, NUSSD has three pillars. One is student development, you know, that we do through our diploma and certificate programs and various activities. Another one is college development. Under this college development, what all things that we are planning, in fact, we have planned and we'll be doing it very soon, that is facilitation, skills training for all the faculty members of the participating colleges, counseling skills and career counseling training for all the faculty members of the college, incubation center at every college to facilitate entrepreneurship training and development. And to add to this, I would say that we also offer diploma program in entrepreneurship. And the last that we are thinking of is working with the college placement officer to develop a mechanism to create an industrial academia platform for regular interactions also. And the third pillar, I would say, is the community development. And, you know, these initiatives were actually started last year. We planned for these. In fact, early this year, we started to work on it. But due to this pandemic situation, there was a pause on all these activities. But we have, you know, again, we have started to work on these as we are not very sure. We are very uncertain that when this pandemic is going to end and till when it is going to last. So I would like to also mention one important thing is that given that we are not vendors providing services in colleges, it has to be done on a partnership mode. Basis mutual trust, respect, and equal amount of effort and support of the college will be solicited. And I would like to mention that EVPG College has always tried to work as a partner in collaborative way for this initiative. And they have come up with some very innovative ideas. Recently, one such idea that I would like to put on the table is like the principal said, he discussed about kind of FDP program, faculty development program, for the faculties of this college. And we have started, we'll create a framework on it and we'll try to implement it early, as soon as possible, sir. This is something which I would commit from my end. And this is on an online session that I'm committing it. And definitely I've started creating a framework for this. And at last, I would just mention that, you know, during these tough times, many new initiatives are taken up by NUSSD, just to name a few. I would be happy to share that we had built a virtual classroom studio on TSS campus. It was inaugurated last year. Now, this will enable us to connect with all the 220 colleges, to be precise, online. And during these times, because of the technological transformation taking place, it will help us immensely to connect with institutions and create a network with colleges where best practices can be shared among the colleges seamless. Also, I would say that TISS has collaboration with over 120 foreign universities, and many of them are world leaders in education such as MIT, US, Stanford, etc. And we are also exploring, and we are currently working on it, how this virtual classroom setup can be used to connect Stanford with a college in Dantewada as well. But this we are working and we'll come out with a solution. Apart from this, we organized several expert lectures, guest lectures during this period. In fact, for example, I would like to share our students who are pursuing diploma course in banking and finance, we organized session for them. It was taken by, in fact, few modules from that particular subject was taken by Dr. Rakesh Nair, who is a professor of Bombay Stock Exchange Institute. And I'm happy to share that this course
has been designed by Symbiosis along with Bombay Stock Exchange Institute. So this is the power of technology. Now our students in Korba can get insights from an expert across the world. So this is something which we have discovered. Also, one important thing that, you know, so ultimately the objective of our project is placements. So that was something, it was a real challenge during these times to think about the placement, because most of the companies, they are, you know, in a process of laying off their employees. So getting the right number of vacancies and, you know, getting all the PR students employed was a tough challenge for us. So what we did is we created a concept of NUSG Dropbox. Now this concept, isme hum kya kar rahe hain? We are working both on the demand as well as the supply side. Demand side mein humne pure India mein jitni bhi badi, aap bol sakte hain jitni bhi badi companies hain, unke saath humne ek parallel communication establish kiya hai aur unse humne tie-ups shuru kar diye hain, ताकि वो जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमको पोस्ट कर सके हमारे ऑनलाइन ड्रॉपबॉक्स मीडियम में. और पैरेलली हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को हम उनका रिज्यूमेज उनके डिटेल्स अपलोड करा रहे हैं उस ड्रॉपबॉक्स में. और हमारा एक टीम हमारी एक बैठी है, हमने क्या किया था, हमने अभी एक ऑनलाइन सेशन भी किया था यूएसए से, हमारे एक ट्रेनर ने रिज्यूमे राइटिंग स्किल्स के ऊपर एक सेशन लिया था, मैक्सिमम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था तो रिज्यूमे राइटिंग के बारे में. तो वो उस रिज्यूमे को अपना अपलोड करेंगे एंड वी हैव अ टीम, वी हैव फॉर्मड टीम and they will review it or accordingly they'll forward it to the right employer. और कहीं ना कहीं हम प्रयास कर रहे हैं कि इस pandemic में भी, though we are stuck in lockdown, हमारा ये काम पीछे नहीं छूट जाए. इसके अलावा हम एक और चीज पे काम कर रहे हैं, that is we are creating a blended learning framework, you know, to implement this skill development program in various states, मतलब with collaboration with state governments. Many of the state governments have approached us कि हम एक blended framework बनाएं जिसपे कि classroom और online teaching दोनों हो. इनफैक्ट आई विल से छत्तीसगढ़ में भी हमने इसकी शुरुआत कर दी है, वी आर इन टॉकिंग टर्म्स छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ भी. तो ये भी एक, और लास्ट में आई विल से कि अनदर वन थिंग, दिस इसका पायलट हमने शुरू किया, दिस इज मेंटर मेंटी प्रोग्राम. मतलब हमने इंडस्ट्री से एक मेंटर असाइन करते और सॉरी स्टूडेंट्स को हम पर्टिकुलर कॉलेज से कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक मेंटर असाइन करते हैं एंड ही विल लुक आफ्टर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दैट दोस सेट ऑफ स्टूडेंट्स. मतलब अभी हमारे साथ पीडब्ल्यूसी ने टाइप किया है, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने, और उसमें से जो मेंटर्स हैं उन्होंने हमारे साथ टाइप किया है और कुछ हमने पायलट के रूप में एक दो कॉलेज में इनिशिएट किया है मुंबई में, जस्ट टू सी हाउ इट इज वर्किंग. और फिर विल यू नो इम्प्लीमेंट दिस होल प्रोसेस इन एवरी इन पार्टनरिंग कॉलेजेस, तो वो भी हम करने वाले हैं. सो देर आर मेनी मोर इनिशिएटिव दैट इज बीन टेकन अप विच विल अपडेट यू इन नियर फ्यूचर. So, with not taking much of the time, I would end here and once again would thank everyone for this great initiative and, you know, inviting me in this platform. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir, for your useful information about this and how it will be helpful to students. And definitely in college, we feel about that this is always helping to our students, help us to encourage the student, the personality development. No doubt it's very useful for us. Sir, it is indeed a privilege for all of us that of all of us that college to have you for this webinar. Thank you, sir. Now, I want to welcome the energetic resource person, Sri Mrityunjay Kumar Ranjan, Program Officer, TIS. Welcome, sir. Thank you very much, ma'am, and honorable principal, sir, respected chief guest. And my commanding officer Ajit sir, all the dignitaries on the dais, Pratibha ma'am, Sivani ma'am, Sadhana Khare ma'am, all the dignitaries on the dais, and it's a flattering and candid opportunity to me to just display something whatever I have learned in my academic journey. And whatever I have learned, my cultivated knowledge and knowledge is to display among all the god of classes who is present or joined on this very webinar. So without taking too much time, I'm jumping to the topic and I'm sharing my screen. I would like to request from the host, may kindly permit me to share my screen.
May kindly permit me to share my screen. Jyoti ma'am, I am not able to share my screen. Jyoti ma'am, may kindly permit me to share my screen. Hello, once again, very good afternoon to all of you. Without any formalities, I am going to start the session. As the topic, initiative for the strengthening the teachers' leadership effectiveness. Dear teachers, you all are the god of classes, for the center of knowledge. आप सभी क्लास के देवता की तरह हैं, for the center of knowledge. जो क्लास में बच्चे आते हैं नॉलेज लेने के लिए. मैंने कुछ आप लोगों के सम्मान में लिखा है और एकेडमिया के सम्मान में लिखा है. स्टूडेंट्स आर द सेंटर ऑफ नॉलेज, टीचर्स आर द गॉड ऑफ क्लासेस, एकेडमिया इज द टेम्पल ऑफ नॉलेरेंस. नॉलेरेंस इज अ काइंड ऑफ वर्बलाइजेशन ऑफ एन आइडिया इन ह्यूमन बीइंग. Respected professors, lecturers, teachers, अगर ध्यान से देखा जाए तो जो students होते हैं वो center of knowledge होते हैं और जो teachers होते हैं वो god of classes होते हैं. हमारा school, college, ये सभी temple होता है नॉलेज का, जहां पे ज्ञान और एक्सपीरियंस दोनों मुझे मिलता है. नॉलेज, ज्ञान और एक्सपीरियंस, इन दोनों को जोड़कर नॉलेज बनाया गया है. ये एक प्रकार का आइडिया है ह्यूमन बीइंग के अंदर नए नए इनोवेटिव आइडियाज देने का. मैंने दो केस स्टडी की है यहां पे. पहला केस है केस वन, जहां पे आप देख रहे होंगे
T for teachers, trainers, professors, lecturers, whatsoever. और दूसरी तरफ S रखा है मैंने students. अगर हम इस रूप में काम कर रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर वो सारी बातें डाल रहे होते हैं जो हमें आता है. इस केस में हम गॉड की तरह काम करते हैं. वहीं दूसरी तरफ हमने केस टू रखा है. हमने जब एक बार बता दिया, जब लेक्चरर एक बार बच्चों को कुछ बता देते हैं तो अपने अंदर बहुत मंथन करते हैं, बहुत कुछ लाते हैं अपने अंदर, नए नए आइडियाज लाते हैं वो, और फिर टीचर्स को रिप्लाई करते हैं. बट वी डोंट नो हु इज द हिडन हॉर्स इन द क्लासरूम. इन बच्चों में कौन से बच्चों का आइडिया कुछ हटकर मुझे भी दिखता है और उसको हम सीखते हैं. हमें लगता है कि हम स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं बट देखा जाए तो हम स्टूडेंट से कुछ सीख रहे होते हैं. उनके डिफरेंट टाइप के सवाल, क्वेश्चंस, जिसका जवाब हमें देना होता है. कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब एट वंस हमें भी नहीं आता होता है. उसके बाद हम उन्हें बोलते हैं, बेटा मैं थोड़ी देर बाद देखता हूं या फिर मैं आपको कल बताता हूं. अगर इस केस को आप थोड़ा समझे तो कहीं ना कहीं एक टीचर को कैपेबल बनाने में, एक टीचर को साथ बनाने में स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है. एंड दैट इज व्हाई आई हैव रिटेन स्टूडेंट्स आर द पावर ऑफ नॉलेज. थोड़ा देर और आगे निकलते हैं हम तो सिंस वेरी बिगनिंग. एक टीचर जो है, जैसा कि आपको मेरी स्लाइड में दिख रहा होगा, टीचर जो है बहुत सारी बातों से स्टूडेंट को पोर डाउन करता है. स्टूडेंट के दिमाग बहुत सारी बातें चलता है. वो धीरे धीरे प्यार से कभी डांट कर, कभी कर, कभी फ्रेंडली होकर, कभी उनका भाई बनकर, कभी उनके पिता बनकर. एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड टीचर्स आर द गॉड ऑफ क्लासेस. हमारे स्लाइड्स पे दिए गए पिक्चर से बहुत कुछ समझ में आ रहा है, होप सो. ऑन द सेकेंड केस, केस नंबर टू, जब वो स्टूडेंट बड़ा हो जाता है, यूजी पीजी जाता है, रिसर्च करने लगता है, अपने नए नए इनोवेटिव आइडियाज को, अपने कल्टीवेटेड नॉलेज को अपने फैकल्टी के साथ शेयर करता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे. एंड प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स गेट इंस्पायर्ड. पिता या एक गुरु उस दिन बहुत खुश होता है जब उसका स्टूडेंट या उसका बेटा उसके समकक्ष या उससे आगे निकल जाता है. तो मैंने कोशिश की है अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने का, स्टूडेंट्स आर द सेंटर ऑफ नॉलेज एंड टीचर्स आर द गॉड ऑफ क्लासेस एंड एकेडमिया इज द टेंपल ऑफ नॉलेज. नॉलेज इज अ काइंड ऑफ वर्बलाइजेशन ऑफ एन आइडिया इन ह्यूमन बीइंग. अब बात करते हैं टीचर्स की. टीचर्स जो एक बच्चा होता है, बच्चे से वो बड़ा होता है, स्टूडेंट बनने के बाद वो टीचर बनता है, प्रोफेसर बनता है, लेक्चरर बनता है, लेकिन पहले वो बच्चा होता है. इनफैक्ट हम सभी कभी ना कभी बच्चे तो रहे ही होंगे. मेरा ऐसा मानना है, शायद आप लोगों को भी लगे ये बात, समाज का हर वो बच्चा, चाहे हम हो या आप हो, समाज का हर वो बच्चा तीन चीजों से बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है.
जो पहला पॉइंट है वो है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, दूसरा पॉइंट है उसका इमोशनल इन्वायरमेंट, इमोशनल क्लाइमेट, और तीसरा पॉइंट है सोशल इन्वायरमेंट। हम सभी कभी ना कभी बच्चे रहे होंगे, और कभी ना कभी कोई ना कोई किसी न किसी एक चीज से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए होंगे, फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति, दूसरा इमोशनल इन्वायरमेंट, इमोशनल क्लाइमेट, और तीसरा सामाजिक स्थिति। अगर किसी बच्चे आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो इनफैक्ट आगे के दोनों, इमोशनल क्लाइमेट, इमोशनल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट, दोनों में भी अच्छा नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो बट उसका इमोशनल क्लाइमेट, इमोशनल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं हो सकता। सपोज मान लो कोई बच्चा है, उसके फादर मदर दोनों सर्विस करते हैं, दोनों नौकरी करते हैं, इमोशनली फेयर ट्रीटमेंट के लिए उनके फादर मदर के पास टाइम नहीं है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन होते हुए भी वो इमोशनल इन्वायरमेंट और इमोशनल क्लाइमेट से प्रभावित हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है सॉरी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाने की वजह से थोड़ा सा मुझे वक्त लगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी बच्चे का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो, इमोशनल क्लाइमेट भी अच्छा हो, बट उसका सोशल एनवायरनमेंट अच्छा है या नहीं, इस पे थोड़ा आप विचार करेंगे सभी लोग। इसके लिए मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं, ये बहुत ही पॉपुलर मूवीज रही है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी, तारे जमीन पर एंड थ्री इडियट्स। होप सो सबने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा है तो सेशन के बाद कृपया देखने की कोशिश करेंगे। पैंडेमिक है, घर पे बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, बच्चों के साथ हैं, नियर एंड डियर के साथ हैं, तो कृपया देखने की कोशिश करेंगे तारे जमीन पर और थ्री इडियट्स। इन दोनों मूवी में जो मैंने तीन बातें कही, फाइनेंशियल कंडीशन, इमोशनल एनवायरनमेंट एंड सोशल एनवायरनमेंट, कहीं ना कहीं आप कंपेयर कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। फिर भी मैं आगे बढ़ता हूं, तारे जमीन की पर की बात करें तो मोस्ट फेवरेट टीचर इस बच्चे के लिए आमिर खान साहब रहते हैं, एंड लेस
फेवरेट टीचर हमारे विष्णु बुद्धे रहते हैं, दोनों में कंपेयर क्या होता है? जो फेवरेट टीचर होता है, मोस्ट फेवरेट टीचर होता है, सेट अ क्लियर एक्सपेक्टेशन, वो बिल्कुल सभी चीजों को क्लियर रखते हैं, और जो लेस फेवरेट रहते हैं वो चीजों को क्लियर नहीं रखते। जो मोस्ट फेवरेट टीचर रहते हैं वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं, उनको बच्चे की हर चीज दिखती है, अपने स्टूडेंट्स की हर चीज दिखती है, उसने खाना खाया नहीं खाया, वो उदास है नहीं उदास है, उसने अगर होमवर्क नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, अगर वो लेट आया है तो क्यों आया है, बहुत सारी चीजें उनको दिखती है, बहुत संवेदनशील होते हैं वो। स्टूडेंट्स के स्माइल के बिहाइंड कौन सा पेन चल रहा है उनके दिमाग में, कौन सा दर्द है, किस प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है, ये संवेदनशील टीचर है, प्रोफेसर को पता चल जाता है, लेक्चरर्स को पता चल जाता है। जो फेवरेट टीचर होते हैं रिकॉग्नाइज्ड करते हैं ईच स्टूडेंट को यूनिक रूप से, उनके लिए हर स्टूडेंट यूनिक है, हर स्टूडेंट के अंदर वो एक यूनिकनेस ढूंढते हैं। वही जो लिस्ट फेवरेट टीचर होते हैं उनको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, कुछ नहीं, स्टूडेंट हो पढ़ो पढ़ो कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई किया मैं अपनी ड्यूटी पूरा कर रहा हूं। जो फेवरेट टीचर होते हैं वो गुड लिसनर भी होते हैं, वो स्टूडेंट की हर बात सुनते हैं, लेकिन जो लिस्ट फेवरेट होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं, जैसा कि मूवी में भी दिखाया गया है, और मैंने अपने जीवन में भी इस बात को बहुत गहराई से देखा है। फेवरेट टीचर डिमांड तो करते हैं लेकिन उनका डिमांड बिल्कुल फेयर रहता है, वहीं लेस फेवरेट टीचर जो होते हैं वो डिमांड करते हैं लेकिन बिल्कुल अनफेयर रहता है वो। फेवरेट टीचर हमेशा बच्चों के हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, उसी दूसरी तरफ इनका हेल्प करते हैं ये लेकिन इनका एक डिफिकल्ट अप्रोच रहता है। फेवरेट टीचर अपने बच्चों में हमेशा विश्वास रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो फेवरेट टीचर कम होते हैं बच्चों के लिए, उनको बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत कम रहता है। फेवरेट टीचर्स के पास धैर्य बहुत होता है, वो धैर्यवान होते हैं, बच्चे गलती कर रहे हैं सीख जाएंगे, उनको मान अपमान और सम्मान से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है फेवरेट टीचर को, इनफैक्ट फर्क ही नहीं पड़ता है, बच्चे ने गुड मॉर्निंग बोला फिर भी कोई बात नहीं, अगर नहीं बोला फिर भी कोई बात नहीं। कभी सोच कर देखिए, जो बच्चा डेली आपको गुड मॉर्निंग बोलता है, जो डेली आपको नमस्ते बोलता है, कभी आपने आप एक बार ट्राई करके देखिए, बच्चों का झुंड कहीं पार्क में है या कॉलेज ग्राउंड में है या कॉलेज पार्क में है या क्लासरूम में है, और आप उनको अगर बोले गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग, तब आपको कैसा फील होगा? जो फेवरेट टीचर होते हैं वो पैशनेट होते हैं सब्जेक्ट टॉपिक, लेकिन जो लेस्ट फेवरेट टीचर होते हैं वो इंटरेस्टेड भी नहीं रहते उन्होंने क्या पढ़ाया है, हाँ पढ़ा दिया हो गया मेरा काम, आगे अब आगे देखेंगे, वो अपने टॉपिक के प्रति भी लेस इंटरेस्टेड होते हैं। जो फेवरेट टीचर होते हैं वो बच्चों को इनकरेज करते हैं, उनकी छोटी सी छोटी अचीवमेंट को, छोटे से छोटे सॉल्यूशन को, छोटे से छोटे अचीवमेंट को बच्चों को एहसास दिलवाते हैं, स्टूडेंट को एहसास दिलवाते हैं कि
कि बेटा आपने अच्छा किया है, कीप इट अप. ऑन द अदर हैंड जो लेस फेवरेट टीचर होते हैं स्टूडेंट्स को पुट डाउन करने की कोशिश करते हैं, इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें यह मालूम होना चाहिए हु इज द हिडन हॉर्स इन द क्लासरूम. क्लासरूम में कौन हिडन हॉर्स है, कौन छुपा रुस्तम लड़का है जो हमारी पहचान को और आगे तक लेकर जाएगा. फेवरेट टीचर्स स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं और लेस फेवरेट टीचर्स स्टूडेंट को रिस्पेक्ट की नजर से बहुत ही कम देखते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जो फेवरेट टीचर होते हैं ना उनके पास कुछ इनर वैल्यूज होती है, कुछ इनर पावर होता है. वही लिस्ट फेवरेट टीचर जो होते हैं उनके अंदर एक साइकोलॉजिकल डर होता है, एक फियर होता है. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैंने बनाया है विद द ग्रीन एरोज इनर पावर इनर वैल्यूज एंड विद द रेड एरोज फियर. इस बात को हम ऐसे समझें, हम आप इन जनरल अब अपने आप को टीचर मान ले, प्रोफेसर मान ले, लेक्चरर मान ले, एक पिता मान ले, एक बड़ा भाई मान ले, एक बॉस मान ले, किसी भी पोजीशन पे अपने आप को खड़ा कर देख ले, हमारे अंदर कुछ डर होता है, कुछ फियर होता है. और साइकोलॉजिकल डर फियर जिसको बोलते हैं हम, and these fears are default attribute in human. ये जो fear है ये default attribute है in human, human के अंदर. जब हम बच्चे होते हैं तो ये डर थोड़ा कम होता है एकदम छोटा बच्चा होने के बाद, फिर जैसे जैसे पढ़ते हैं बड़े होते हैं ये डर बढ़ता जाता है. ये हमारे बॉडी के अंदर रोग की तरह काम करता है, हमारे ब्रेन के अंदर रोग की तरह काम करता है. इट इज अ काइंड ऑफ डिजीज, फियर इज अ काइंड ऑफ डिजीज. जैसे रिजेक्शन, इनकॉम्पिटेंट, नॉन एक्सेप्टेंस, नेग्लेक्टेड, making mistakes, being insulted. आप थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, जब आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, जब आपको पहला क्लास दिया गया था. होप सो सभी यहां पे गॉड ऑफ क्लासेस टीचर्स प्रोफेसर्स लेक्चरर्स ही होंगे. थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए 10 साल 15 साल 20 साल पीछे, जब आपको पहला क्लास दिया गया था, जब आपने पहली बार चौक पकड़ा होगा, जब आप पहली बार क्लास ले रहे होंगे, तो क्या इन चीजों में से कोई भी एक चीज आपके अंदर नहीं थी? आपके अंदर ऐसा डर नहीं था कि पता नहीं मैं कैसा पढ़ाऊंगा, मैं रिजेक्ट न कर दिया जाऊं कमिटी के द्वारा या फिर स्टूडेंट्स के द्वारा, स्टूडेंट मेरी बातों को समझे ना समझे, कहीं मेरे से कोई गलती नहीं हो जाए, कहीं कोई बच्चा मेरा इंसल्ट ना कर दे. हो सकता है लास्ट बेंच पे कॉलेज के प्रिंसिपल बैठकर आपको जज ना कर रहे हो. नर्वस फेल्योर, ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल डर आपके दिमाग में चल रहे होंगे At that time. ये डर आपके साथ चलता जाएगा आजीवन.
it is default attribute in human. डर लगता है, सभी को लगता है, और हम साइकोलॉजिकल डर की बात कर रहे हैं. मैंने फिर से रेफरेंस लिया है थ्री इडियट्स के डायरेक्टर का, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर होते हैं उनका. थोड़ा सोच कर देखिए उनके अंदर कौन सा डर होगा. स्कॉलर, ही वाज स्कॉलर, दोनों हाथों से लिखते थे वो. एमिनेंट पर्सनैलिटी थे वो, फिर भी उनके अंदर कुछ डर था. आप मुझे बताएंगे एट द एंड ऑफ द सेशन और इन द चैट बॉक्स कि इनके अंदर कौन सा डर था. ऑन द अदर हैंड, इस डर को कम किया जा सकता है अगर हम इनर पावर, इनर वैल्यू को आईपी रखें और आईवी रखें और फियर को एफ रखें. तो फियर शुड बी लेस देन आईपी एंड आईवी. अब ये आईपी और आईवी क्या है? तो अगर हमारे पर डर हावी हो रहा है तो हम अपने अंदर इन चीजों को डेवलप कर लें, ह्यूमिलिटी, एम्पथी, ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी, जस्टिस, कैरेज, सिंसरिटी, सैक्रिफाइस, कमिटमेंट, क्रिएटिविटी, फुल पोटेंशियल, कॉन्फिडेंस. अगर आपको रिजेक्शन का डर लग रहा है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर लीजिए. अगर नेग्लेक्ट होने का डर लग रहा है, अपने अंदर फुल पोटेंशियल डेवलप कर लीजिए. और कहीं ना कहीं अगर एक टीचर्स के अंदर ये सभी गुण हैं, जिनके साथ हम छेड़छाड़ ना करें, अनमेसेबल विथ दिस, ऑल दी प्रॉपर्टीज आर अनमेसेबल विथ, इसके साथ अगर छेड़छाड़ ना किया जाए, हम इसको इंक्रीज कर लें, तो कहीं ना कहीं एक फेवरेट टीचर के रूप में उभर कर बाहर आएंगे. आई होप सो आई एम क्लियर. एक और बात, अगर हमारे अंदर फियर है, किसी भी तरह का फियर है, तो हमारे अंदर स्ट्रेस आएगा. इस सेशन के दरमियान हम लोग स्ट्रेस पे बात करेंगे, पॉजिटिव लैंग्वेजेस के ऊपर बात करेंगे, रैशनल थिंकिंग के ऊपर बात करेंगे. टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे एंड मेनी मोर थिंग्स विद द हेल्प ऑफ आवर को स्पीकर रिस्पेक्टेड रीमा दत्ता मैम. A stress is a kind of reaction. अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आप रिएक्ट करते हैं. इट इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन. और ये कितने तरह का हो सकता है और किस किस तरह से होता है? ये साइकोलॉजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है. देखा जाए तो तीन तरीके से हमें स्ट्रेस होता है. वो हमारा रिएक्शन जो होता है, अगर वो इनअप्रोप्रिएट बन जाता है, इनअप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रेशर को हम स्ट्रेस कहते हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस. स्ट्रेस के दो पहलू हैं. स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव स्ट्रेस कैन ब्रिंग एंथुसिएज्म टू लाइफ एंड मेक लाइफ वर्थवाइल. अगर आपके अंदर पॉजिटिव स्ट्रेस है, आपको कोई टास्क असाइन किया गया है आपके अथॉरिटी के द्वारा, आपके टीचर्स के द्वारा,
आपके मेंटर के द्वारा, आपके प्रिंसिपल के द्वारा, टेक दैट वेरियस स्ट्रेस एज पॉजिटिव स्ट्रेस एंड ट्राई टू ब्रिंग मोटिवेशन इन साइड यू विथ योर कमिटमेंट. अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका लाइफ खुशनुमा हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड इट कैन ऑल्सो हैव अ निगेटिव इफेक्ट. ठीक है, जाइए, बंद कर दीजिए उसको. ऑन द अदर हैंड इट कैन ऑल्सो हैव अ निगेटिव इफेक्ट. एंड अ पर्सन मे फील दैट lack to handle the ability of demand of life. अगर आपके पास negative stress आता है तो कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाएगी अपने life से जो आपका demand है उसको पूरा करने में. तो whenever the stress come to you, psychological, इमोशनल और फिजियोलॉजिकल, कभी भी लगता है कि आप स्ट्रेस में हैं तो आपका रिएक्शन पॉजिटिव होना चाहिए. रिएक्शन कैसे रिएक्ट करते हैं आप, हाउ इंस्टेंटली काउंटर प्रेशर. रिएक्शन located in your emotions and fears. Fight, flight, response. Respected teachers, fear and emotions are temporary. Hamara dar aur hamara emotions dono temporary hai. ये ज्यादा समय तक नहीं रह सकता. अपने जीवन काल में आप लोगों ने देखा होगा, ना ही आपका इमोशंस ज्यादा समय तक पाया है, ना ही आपका डर ज्यादा समय तक टिक पाया है. बट इन चीजों के कारण आप स्ट्रेस में जरूर आते हैं. अगर आप इमोशनल स्ट्रेस में हैं, तो आप चीजों के साथ नदी की धार की तरह बहते जाएंगे. अगर नदी में एक पत्ते को गिरा दिया जाए और आप इमोशनल स्ट्रेस में हैं, तो आप नदी में बहते हुए तैरते चले जाएंगे. डूबेंगे, क्या होंगे, कोई पता नहीं. और अगर आप फियर में हैं, तो फियर से आपको फाइट करना होगा. इनफैक्ट दोनों से आपको फाइट करना होगा. ये जो स्ट्रेस है वो रहता कैसे है, टू मच, बहुत ज्यादा रहेगा, टू लिटिल, बहुत कम समय के लिए रहेगा, या फिर टू लॉन्ग, बहुत गहरा, बहुत लंबे दिन के लिए रहेगा. बट ये टिक नहीं पाएगा अगर आपके पास इनर पावर, इनर वैल्यूज है. तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग. स्ट्रेस इज अबाउट टू द सेम एज प्रेशर. स्ट्रेस प्रेशर जैसा ही है और प्रेशर एक निश्चित समय के लिए होता है. एग्जाम्पल के लिए प्रेशर कुकर को देख लीजिए आप. एक निश्चित समय के लिए उसके अंदर प्रेशर रहता है और जैसे ही उससे ज्यादा होता है, उसकी कुकर की सीटी नोजल से वो बाहर निकल जाता है. प्रेशर अराइजिंग आउट ऑफ आवर कमिटमेंट मोटिवेशंस. जैसे मैंने बताया, अगर पॉजिटिव प्रेशर है
जो हमारे कमिटमेंट से बाहर आता है तो ये हमें मोटिवेट भी करता है. अ स्ट्रेस ऑन द अदर हैंड इज अवॉइडेबल. स्ट्रेस को ऐसी चीज नहीं है जिसको हटाया ना जा सके, इसे हटाया जा सकता है. अगर स्ट्रेस को आप प्रेशर की तरह ट्रीट करें, पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव स्ट्रेस, स्ट्रेस आता कहां से है? स्ट्रेस जो आता है ये हमारे इरेशनल बिलीफ से आता है. हमारा इरेशनल बिलीफ क्या होता है? इरेशनल बिलीफ्स आर डिसफंक्शनल बिलीफ्स दैट पीपल ऑफन होल्ड, जिसका कोई काम नहीं है. ऐसा बिलीफ सिस्टम जिसका कोई काम नहीं है, जो हम अपने अंदर कैरी करते रहते हैं, अपने अंदर लेकर चलते हैं. एंड दे कम फ्रॉम आवर बैकग्राउंड कन्वर्सेशन. वो हमारे बैकग्राउंड कन्वर्सेशन से आता है एंड फियर से आता है. जैसा कि फियर के बारे में मैंने आपको बताया, बैकग्राउंड कन्वर्सेशन क्या होता है? हम जब भी किसी मीटिंग में हो, कहीं कुछ कर रहे होते हैं या कोई डिसीजन लेना मुझे होता है, तो हम कहीं ना कहीं मेरे ब्रेन में, मेरे दिमाग के पीछे कुछ ना कुछ चलते रहता है. आप सभी के पीछे चलता होगा, होगा नहीं होगा, सही है नहीं सही है, यही होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ. These are the background conversation. They can block your rational thinking and causes stress. ये चीजें आपकी rational thinking को block कर देगा. और जिसका consequences, जिसका resultant vector stress होगा. This also prevents action which you sourced in our values or inner power. The effect of irrational beliefs are, irrational belief agar aapke andar hai to kya hoga? Distort reality. रियलिटी आपको दिखेगी नहीं, इलॉजिकल रहेंगे आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे. ये आपको अनहेल्दी इमोशंस तक पहुंचाएगा. इमोशंस भी दो तरह के होते हैं, हेल्दी और अनहेल्दी. अगर हेल्दी इमोशंस है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अनहेल्दी तब ये आपको स्ट्रेस में पहुंचा देगा. ये आपको सेल्फ डिफेटिंग बिहेवियर की तरफ भी लेकर जाएगा. थिंकिंग एरर, चेंजिंग योर थिंकिंग एरर, अपने सोच में परिवर्तन लाने की जरूरत है मुझे, हमें. सोच क्या क्या हो सकता है? ऑल और नथिंग. देयर आर नो ग्रेज. एवरीथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट. लेबलिंग टू मेक अ वेरी जनरल एंड ओवरऑल स्टेटमेंट. ब्लेमिंग अदर्स and blaming self. Unrealistic expectation should, must, out to, होना चाहिए ऐसा, ऐसा ही होगा,
मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अवास्तविक उम्मीदें, जो हमको दिखता है वही सही है। आप सोच लीजिए इन चीजों में से कौन से आपके अंदर है, इसका जवाब भी आप चैट बॉक्स में हम लोगों को देंगे। आपके अंदर कौन सी ऐसी एरर थिंकिंग है जो आप थिंक कर रहे हैं। एरर, ऑल और नथिंग। अगर आप ऐसा लगता है आपको कि आप ऑल और नथिंग एरर पे हैं, तो डेवलप रिलेटिव थिंकिंग। अगर आप लेवलिंग कर रहे हैं तो डिलेवल कर दीजिए उसको। आपको ऐसा लगता है ब्लेमिंग अदर्स और ब्लेमिंग सेल्फ, आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं या खुद को ब्लेम कर रहे हैं, तो ब्रॉडन द पिक्चर। पिक्चर को बहुत बड़ा करके देखने की जरूरत है, इनलार्ज करके देखने की जरूरत है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, तो आपको थिंकिंग करने की जरूरत है मोर फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत लचीलेपन से सोचने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि मैं इसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, तो अपने इमोशंस को दरकिनार रखिए, एक बॉक्स में बंद करके अपने इमोशंस को रख दीजिए। फिर आपको लगेगा कि नहीं, मैं ऐसा कर सकता हूं। अपने इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ को मजबूत करने की जरूरत है। मैनेजिंग स्ट्रेस, चेंजिंग अवर बिहेवियर। जरूरत क्या है आपको? डेवलपिंग सपोर्ट नेटवर्क्स, अपने सपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाइए। असर्टिव ट्रेनिंग, जिसके बारे में रीमा मैडम बात करेंगी आपसे। टाइम मैनेजमेंट, इसके बारे में भी रीमा मैडम बात करेंगी आपसे। डेवलपिंग योर एबिलिटी टू विदस्टैंड अनफेयर प्रेशर, अनफेयर प्रेशर के साथ अपने आप को खड़ा रखने की कोशिश कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस कीजिए नोटिस करने का, नेम करने का एंड लेट इट गो करने का। आपके अंदर जो भी डर, जिस डर के कारण प्रेशर है, उसको पहले लिस्ट कीजिए, नोटिस कीजिए, पहले ध्यान में लाइए उसको, फिर नेम दीजिए उसका, उसके बाद उसे अपने अंदर से हटाइए। जो बैकग्राउंड कन्वर्सेशन आपके दिमाग में चल रहा है, उसे भी छोड़ने की कोशिश कीजिए। ऐसा होगा या नहीं होगा, कुछ तो लोग कहेंगे, देन ठीक है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, लेट देम स्पीक। सोर्सिंग योर इनर पावर, जो मैंने इनर पावर की बात की है, इनर वैल्यूज की बात की है, अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिए कि मेरे अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके सहारे मैं आगे बढ़ सकता हूं। एक एक्शन प्लान तैयार कीजिए अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट का। इनर कैपेसिटी, सोर्सिंग माय इनर पावर, अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालिए, लिस्ट कीजिए, उस पर काम कीजिए। अपने अंदर के डर का नाम दीजिए और उसे अपने अंदर से हटाइए। अपने बैकग्राउंड कन्वर्सेशन को नोटिस कीजिए, अगली बार वो ना आए। अपने थिंकिंग स्किल्स को, क्रिटिकल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग में एनहांस कीजिए। सोशल सपोर्ट, असर्टिवनेस, टाइम मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, अगर फिजिकल स्ट्रेस है तो एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, रिलैक्सेशन एटसेट्रा। अब बात करते हैं
this is going to be very effective words to all of you. Maybe or may not be. हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग सिक्स थिंकिंग हैट्स के बारे में जानते होंगे. अगर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई फैसला ले रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, तो वी नीड टू थिंक रैशनली. इमेजिन कीजिए आपके पास सिक्स टाइप के डिफरेंट कलर हैट्स हैं. पहला इंफॉर्मेशन, व्हाइट, व्हाइट हैट. इंफॉर्मेशन का हैट होता है यह व्हाइट हैट. दूसरा इंफॉर्मेशन का जो हैट है वो फैक्ट्स के बारे में बताता है, न्यूट्रल रहकर ऑब्जेक्टिव की तरफ. दूसरा इमोशंस, हंचेस, इंट्यूशंस, गट फीलिंग. अगर हम ब्लैक की बात करें तो जजमेंट, क्रिटिक, एनालिटिक्स, लॉजिकल, नेगेटिव. ब्राइटनेस की बात करें, सनशाइन, ऑप्टिमिज्म, लॉजिकल, पॉजिटिव. ग्रीन की बात करें तो ग्रीन कलर क्रिएटिविटी, ग्रोथ, पॉसिबिलिटीज, आइडियाज. और अगर हम ब्लू की बात करें, मैनेजमेंट, मैनेज, कूल, एजेंडा, प्रोसेस, ऑर्गेनाइजर, ओवरव्यू, डिसीजन. हो सके तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे. ये सभी हैट्स जो है डिसीजन लेने के लिए बनाया गया है. अगर एक आदमी है या एक टीम है तो वो कितने तरीके से डिसीजन ले सकता है ताकि उसका डिसीजन बिल्कुल सही हो. लेकिन शर्त ये है कि वो एक बार में एक ही हैट को पहनेगा अपने ऊपर. अगर उसने इंफॉर्मेशन वाली हैट पहनी है, व्हाइट हैट पहनी है, तो वो थोड़ी देर के लिए व्हाइट हैट पहन के रखेगा और सोचेगा क्या फैक्ट्स क्या है, न्यूट्रल रखकर सोचेगा, ऑब्जेक्टिव की तरह सोचेगा. फिर उस हैट को हटाएगा, नोट डाउन कर लेगा क्या आंसर मिला, हैट को हटाएगा, फिर रेड हैट, ऐसे ऐसे करके सभी हैट्स को एक एक करके पहनेगा और वो अपने आउटकम को नोट डाउन करता जाएगा. अगर थोड़ा और आगे बढ़े, हैट और कलर रिप्रेजेंटेशन, न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड फिगर्स, इमोशनल, अंग्री, रेड के बारे में कहा गया है, इमोशंस और फीलिंग्स की बात, सीरियस, सोम्बर, कॉशियस एंड केयरफुल, सनी, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, होप, पॉजिटिव थिंकिंग, लाइक दिस. ये हैट्स हमें बताता है हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग क्या है, हमारी पैरेलल थिंकिंग क्या है. जब हम ट्रेडिशनल थिंकिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एनालिसिस में इन्वॉल्व होते हैं, जजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं और आर्गुमेंट में इन्वॉल्व होते हैं. अगर कोई पर्सन ए है, ए जैसा आप ग्रीन एरो में देख रहे होंगे, ए वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बी क्या कर रहा है, नहीं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने में ये प्रॉब्लम है, उसे सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले ही रोक देता है. थिंग्स अबाउट टू मेनी एस्पेक्ट्स
एट अ टाइम, एक ही एक बार में बहुत सारी चीजों को लेकर बैठ जाते हैं सोचने के लिए, दैट इज ट्रेडिशनल थिंकिंग। अगर हम पैरेलल थिंकिंग की बात करते हैं तो ये कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग होती है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, डिजाइनिंग अ वे फॉरवर्ड। हम अगर पैरेलल थिंकिंग की बात करें तो हम सॉल्यूशन की तरफ काम करते हैं। पैरेलल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, वर्क ऑन द सॉल्यूशन। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रहेगा, बट हमें सॉल्यूशन निकालना है। जैसा कि आप यहां पे देख रहे होंगे, ए एंड बी बोथ हैविंग द ग्रीन एरो एंड वर्किंग ऑन द सॉल्यूशन, बट यहां पे प्रॉब्लम, अगर ए देख रहा है प्रॉब्लम की तरह तो बी भी उसे प्रॉब्लम की तरह देख रहा है। अगर ए ने कोशिश भी की कि मुझे सॉल्यूशन ढूंढना है तो बी बोलेगा नहीं नहीं प्रॉब्लम ही है, ये प्रॉब्लम होने वाला है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अगर हम हैट की बात करते हैं, अगर व्हाइट हैट की बात करते हैं, द व्हाइट हैट इज अबाउट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन दैट इज करेंटली अवेलेबल, आइडेंटिफाई फर्दर इंफॉर्मेशन दैट मे बी नीडेड। व्हाइट हैट बिल्कुल फेयर काम करता है, वो जो है सो है, और पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। अगर हम रेड हैट की बात करें, द रेड हैट associated with feelings and intuitions, emotions. ये आपकी feelings को आगे बढ़ाएगा without justification, बिना कुछ सोचे समझे आप बहाव में बह जाएंगे। अगर हम sunshine, yellow hat की बात करें, sunshine जो सूरज की तरह चमक रहा होता है, the yellow hat is for positive view or things. It looks for benefits in any situation. अगर आप yellow hat अपने सर पर रख कर देखेंगे और imagine करेंगे कि नहीं मुझे positive ही सोचना है, चाहे situation कितना भी खराब क्यों ना हो, तो आप को पॉजिटिव आइडियाज नजर आएंगे। दिस हैट इनकरेजेस अ पॉजिटिव व्यू इवन अ पीपल हु आर ऑलवेज इन क्रिटिकल सिचुएशन, कितना भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, लेकिन आपको पॉजिटिव आइडियाज ही निकालना है। द स्ट्रेंजर्स ब्लैक हैट, the black hat relates caution, sabdhaniya. It is used for a critical judgment. Sometimes it is easy to overuse the black hat. बहुत जरूरी हो जाता है black hat पहनना हमें, बड़े बड़े decision लेते समय जब सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ लग रहा है सही है, एक बार तो जरूर अपने सर के ऊपर एक ब्लैक हैट डालकर उसकी तरह सोचने की कोशिश करें। क्रिटिकल जजमेंट, थोड़ी देर के लिए अपने आप को शांत रखकर क्या कमियां रह गई हैं आपके डिसीजन में, वो आपको दिख जाएगा। अगला है ग्रीन हैट, the green hats is for creative thinking and generating new ideas. This is your creative thinking cap. Black hats ke baad jo bhi problem aapko dikha hai black hat pehanne ke baad, uske baad green hat pehan lijiye, aapko us problem ka solution dikh jayega.
And finally, the sky and the overview, blue hat, the leadership hat, the managerial hat. The blue hat is about process control. It is used for thinking about thinking. जो सोच लिया है उसके बारे में सोचने के लिए, जस्ट लाइक अवर ऑनरेबल प्रिंसिपल सर. द ब्लू हैट आस्क फॉर समराइज कंक्लूजन एंड डिसीजन. तो दीज आर द सिक्स थिंकिंग हैट्स. लेकिन शर्त यही है, कोई भी डिसीजन, कोई भी मीटिंग में एक बार में एक हैट पहनकर सोचने की कोशिश करें आप, तभी आप राइट कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे. और ऑर्डर यही रखेंगे, पहले व्हाइट हैट, फिर रेड हैट, सनशाइन, एंड देन ब्लैक, देन ग्रीन, देन ब्लू. रेसिडुअल थिंकिंग एंड पैरेलल थिंकिंग. ट्रेडिशनल थिंकिंग में हम एक दूसरे की कमियों निकालने में लगे रहते हैं, जबकि पैरेलल थिंकिंग में देख रहे होंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप का टीम है और डिफरेंट टाइप के कलर है. सभी एक ही लोग, एक ही गोल पे काम कर रहे हैं. सब लोग एक ही गोल पे काम कर रहे हैं. बट कलर डिफरेंट डिफरेंट है. एक टीम जो है एक बार में एक कलर की तरह सोच रहा है, एक हेड के ऊपर सोच रहा है, तो रिजल्ट बिल्कुल सही आएगा. हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं. इस दरमियान हम लोगों ने डिस्कस किया, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. नेवर वर्क विदाउट इनर वैल्यूज, इनर पावर. स्ट्रेस इज अवॉइडेबल एंड ऑल्सो मोटिवेट्स अस. नीड टू चेक your thinking error. There are six color imaginary hats that you can put on or take off. एक बार में डालना है सर पर, फिर निकालना है, ऐसा. तभी हम rational thinking की तरफ बढ़ पाएंगे. The color of hats identify the type of direction of thinking. ये जो हैट्स के कलर हैं, किस दिशा में हमारी सोच जा रही है, हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उस तरफ आपको डायरेक्ट करेगा. हैट्स हेल्प द ग्रुप टू यूज पैरेलल और रैशनल थिंकिंग. द मेन आइडिया इज टू हैव द ग्रुप वियर ओनली वन हैट एट अ टाइम. यानी एक बार में एक ही हैट को अपने सर के ऊपर रखकर सोचना है. एंड दिस एंटायर मॉडल कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और इंडिविजुअल्स. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर फॉर योर वंडरफुल सेशन अबाउट स्टूडेंट टीचर साइकोलॉजिकल रिलेशन. You have said about the traditional parallel thinking, stress management, six thinking head. That was very interesting, and we will try to implement in our life also. Thank you, sir. Now I welcome our resource person, Rima Dutta Madam, Assistant Professor, DLC College, Bilaspur, for valuable lecture. Madam, over to you. Thank you, madam. Madam, am I audible? सबसे पहले आदरणीय प्राचार्य महोदय को मेरा नमस्कार और सभी जो डिग्निटरीज हैं उनको भी मेरा नमस्कार, सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार. जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि आप लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में ज्वाइन किया है, उसका मतलब है कि सारे हमारे शिक्षक बंधु जो हैं वो ये जानना चाहते हैं कि वो अपनी टीचिंग को, अपने लीडरशिप को किस तरीके से और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं.
तो जो आपकी जो ये जिज्ञासा है, आपकी इस जिज्ञासा को, इस जज्बे को भी मैं सलाम करती हूँ कि इतना आप सब टीचिंग प्रोफेशंस में हैं, आप सब इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद भी आज भी आप में सीखने की लालसा है, और यही सीखने की लालसा जो है एक शिक्षक को शिक्षक बना करके रखती है। जैसा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि वही मोमबत्ती दूसरी मोमबत्तियों को जला सकती है जो खुद जल रही हो। तो जिस प्रकार से आप सबने इतनी बड़ी संख्या में ज्वाइन किया है, तो ये दिखाता है कि आप सब इम्प्रूवमेंट चाहते हैं अपने टीचर टीचर या टीचिंग या लीडरशिप लीडरशिप इफेक्टिवनेस में। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मेरी जो चर्चा है वो एक इनफॉर्मल चर्चा रहेगी, जिसमें सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स पर आप अपनी बात आपसे शेयर करूंगी, और उसके पश्चात जो है मैं आपसे सुनना चाहूंगी या आपसे जानना चाहूंगी कि आप आपकी अगर कोई क्वेरीज हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं उनको लेना चाहूंगी कि अगर आप किसी बिंदुओं पर, क्योंकि एज ए टीचर शिक्षक के रूप में हम सभी इन बातों को मोर और लेस कहीं ना कहीं हम इनके वी कम अक्रॉस देम, हम उनको जानते हैं, हम समझते हैं, लेकिन कई बार जानने समझने के बाद भी पर्याप्त उपयोग ना हो पाने के कारण क्या होता है कि जब हमको उसकी जरूरत पड़ती है तब हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, वो कहीं हमारे बैकग्राउंड नॉलेज में चली जाती है। तो इसलिए मैं एक आप कह सकते हैं बहुत संक्षेप में मैं उन बिंदुओं को रखूंगी, फिर अगर आपको लगता है कि आपको कोई बिंदु पर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उसको और डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं ताकि हम उनको देख सकें। तो जब सबसे पहले हम इफेक्टिवनेस बढ़ाने की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम आखिर पहुंचना कहाँ चाहते हैं। जहां हम पहुंचना चाहते हैं, जब हमारे लक्ष्य जो है वो निर्धारित हो जाते हैं, तब हम फिर ये तय कर लेते हैं कि अभी हम कहाँ हैं और वो कौन कौन से रास्ते हैं जिनसे हम जो बनना चाहते हैं वो हम बन सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, यानी कि आप जहाँ हैं अभी जहाँ हैं और आप जो बनना चाहते हैं, उस दूरी को तय करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप उस दूरी को तय कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना होता है, आप जब अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं और आप जान लेते हैं कि हाँ मैं इस प्रकार का इंसान हूँ, तब आप अपने लिए सबसे उपयुक्त रास्ते का चयन करते हैं। फिर ये देख लेते हैं कि इस रास्ते पर अगर मैं चला तो मुझे कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी और वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे इस रास्ते पर चलने से रोक रही हैं या बाधित करती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि when you want to increase your effectiveness, the first point is self-awareness, यानी कि सबसे पहले आपको अपने आप को evaluate करने की जरूरत है कि आप कहाँ पहुंचना चाहते हैं, आप कहाँ हैं, आपके पास कौन कौन से assets हैं, कौन कौन सी आपकी कमजोरियां हैं जो आपको रोक रही हैं। तो अगर आप इस self-aware हो जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि हाँ मेरी ये कमजोरियां हैं या मेरी ये खूबियां हैं जिनकी सहायता से मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, तो उसके बाद हम आते हैं जो एक दूसरा सबसे इसका उपयुक्त उपाय होता है, और वो है समय प्रबंधन का। यानी कि जब मैंने जान लिया कि इस प्रकार से मुझे अपने रास्ते पे चलना है, तो दूसरी बात मैं ये देखता हूँ कि मैं अपने समय को कैसे प्रबंधन, उस समय का प्रबंधन कैसे कर सकता हूँ। तो समय प्रबंधन क्या है? बेसिकली टाइम मैनेजमेंट जो है, इसको हम बहुत कोई कठिन टर्म नहीं है, टाइम मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं है जिसको पहले, जिसके बारे में हमने सुना ना हो या हम जानते ना हो। टाइम मैनेजमेंट हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो हमसे कहते आ रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने समय का सदुपयोग कीजिए। तो समय का सदुपयोग, तो समय तो सभी के पास उतने ही है, 24 घंटा सभी के पास है, तो इन 24 घंटों का सदुपयोग हम कैसे कर सकते हैं? तो 24 घंटों का सदुपयोग करने का अर्थ है कि पहले आप अपनी प्राथमिकताएं तय कर लीजिए और उन प्राथमिकताओं के हिसाब से आप अपने उन 24 घंटों का उपयोग कीजिए।
तो वो कौन सी मुख्य रूप से वो कौन सी चीजें हैं जिन पर हमको ध्यान देना होता है? तो सबसे पहला है हमारा स्वास्थ्य है, हमारी भावनाएं हैं, हमारी बौद्धिक गतिविधियां हैं, और इसी प्रकार से इन सबको मिलाते जुलाते हुए भी और इन सबसे परे भी एक हमारा एक और हम कह सकते हैं डायमेंशन है, और वो डायमेंशन जो है वो हमारा है आध्यात्म का, जिसको हम अपने भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि हम यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, ये हमारे जीवन का, ये हमारे मानव योनि का या मनुष्य योनि का अंतिम लक्ष्य है और हम यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट में हम इस बात को देख सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट जो है वो है मैनेजिंग और यूजिंग आवर टाइम इन अ वे सो दैट इट एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूव्स द क्वालिटी। यानी कि समय को इस प्रकार से उपयोग करना है कि आपकी उत्पादकता जो है वो उससे बढ़ जाए, और इसके साथ साथ ही आपके जीवन की गुणात्मक, जो आपका गुणात्मक पक्ष है, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है आपके जीवन का, वो भी इम्प्रूव हो। तो अपने टाइम को मैनेज करने के लिए हमको किस प्रकार की जरूरत पड़ती है, किस प्रकार से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर आप अपने समय को प्रबंधित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने एम्स या अपने जो भी आपके लक्ष्य हैं, एम्स हैं, गोल्स हैं, उनका निर्णय कर लीजिए कि आखिर आप पाना क्या चाहते हैं। दूसरा, आप इन लक्ष्यों को हासिल कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए। तीसरा है, समय समय पर इसका इवैल्यूएशन करते रहिए, मूल्यांकन करते रहिए कि जिस लक्ष्य को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं उस लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, कहाँ तक बढ़ रहा हूँ, क्या कुछ मुझसे गलतियां हो रही है, क्या कहीं मेरी मैं कहीं भटक रहा हूँ। तो अगर आपको लगे कि आप कहीं भटक रहे हैं, आपका कहीं भटकाव हो रहा है, तो आप समय पर उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं सीधे कि हम अपने क्लासरूम में टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो क्लासरूम में टाइम को हम मैनेज कर सकते हैं, इसके हम दो उपाय देख सकते हैं। एक है यूनिट प्लान। यूनिट प्लान में आप डिसाइड करते हैं आवाज नहीं आ रही है। हेलो रीमा मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, हाँ क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैडम आ रही है। हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे थे टीचिंग प्लान के बारे में। तो टीचिंग प्लान के लिए हम कहते हैं कि व्हाई एंड हाउ, यानी कौन सी चीजें आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं और किस प्रकार से पढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपनी विषय वस्तु का निर्धारण करते हैं कि हमारी विषय वस्तु क्या है, वो कौन सी चीज है
जिसको हम पढ़ाना चाहते हैं, फिर उस विषय वस्तु के आधार पर हम अपनी लर्निंग ऑब्जेक्टिव यानी कि आपके जो अधिगम उद्देश्य हैं, यानी आपके बच्चे जो हैं, आपके स्टूडेंट्स जो हैं, उस विषय वस्तु से क्या सीखने वाले हैं, इस चीज को हम डिसाइड करते हैं। जब हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड हो जाते हैं, तब हम ये डिसाइड करते हैं कि हम उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करने के लिए कौन सा मोड या प्रेजेंटेशन का कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं। इसके बाद जब हम ये सारी चीजें डिसाइड कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारा अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है इवैल्यूएशन। यानी कि जब हम ये सारा अपना कंटेंट डिलीवर कर देंगे, तब हम ये कैसे जांचेंगे कि जिन लक्ष्यों को लेकर के हमने ये 40 मिनट का पीरियड लिया है, क्या हमने उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, क्या हमारे स्टूडेंट्स को वो बातें समझ में आ गई हैं जो आज हमने पढ़ाई हैं। तो इसके लिए हम सहारा लेते हैं मूल्यांकन का या इवैल्यूएशन का। तो जब आप इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि प्रश्नों के माध्यम से या किसी और माध्यम से, प्रोजेक्ट्स के माध्यम से, तो आप ये समझ जाते हैं कि आपके स्टूडेंट्स ने जो आपने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, आप उनको प्राप्त करने में कितने सफल रहे। अगर आप उनको प्राप्त करने में सफल रहते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर किसी वजह से, किसी कारणवश आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को आप मीट नहीं कर पाते हैं, आपको ये इवैल्यूएशन के दौरान पता चलता है कि आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पूरा नहीं कर पाए, तो आप उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और आपने नेक्स्ट क्लासरूम में उन चीज को डील कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट का यूज करते हैं तो उसके लाभ क्या होते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो उससे सुधर जाती हैं, या क्लासरूम में अगर हम अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर पाते हैं तो उससे हमको क्या सुविधाएं होती है या हमको क्या फायदा होता है। तो इसका सबसे पहला फायदा है कि मैक्सिमम आउटपुट आपका और आपके स्टूडेंट्स का, दोनों का आउटपुट जो है इससे काफी सुधरता है। बेटर ऑर्गेनाइजेशन, आपका क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन, क्लासरूम क्लाइमेट, क्लासरूम एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें इससे सुधर जाती हैं। स्मूथ एंड ऑटो एग्जीक्यूशन, यानी कि अगर आपने पहले से अपने क्लास को प्लान करके रखा है तो उस 40 मिनट के दौरान जनरली आपका प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही स्मूथ रहता है और आपको किसी तरीके की कोई बाधा नहीं आती। इसमें एक चीज हमको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम कोई लेसन को प्लान करते हैं तो उसके लिए हमको फ्लेक्सिबल होना है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमने प्लानिंग तो की थी लेकिन जब हम क्लासरूम में गए तो उस दिन स्टूडेंट का जो मतलब मूड है वो जो है वो हमारी प्लानिंग के अनुसार से नहीं जा रही है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमको अपनी प्लानिंग फ्लेक्सिबल भी रखनी चाहिए ताकि हम उस समय उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकें। अगर हम अपने टाइम को एक बेहतर तरीके से मैनेज करते हैं तो हमारे क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है, इवैल्यूएशन जो है वो ऑथेंटिक ढंग से होने लगता है, और अगर कहीं हम, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर कहीं हम चूक रहे हैं तो उसका प्रॉपरली टाइमली मॉडिफिकेशन भी हो जाता है। इससे क्लासरूम में पॉजिटिविटी और एंथुजियाज्म बना रहता है, यानी आपके स्टूडेंट्स और आप खुद एक सकारात्मक माहौल में रहते हैं और आप शांत रहते हैं, आपको किसी भी एन वक्त पे अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की या इस प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं रहती है। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो हमारा खुद पर एक नियंत्रण स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, असर्टिवनेस। असर्टिवनेस बिहेवियर क्या है? असर्टिवनेस बिहेवियर का मुख्य मुद्दा यही है कि ना आप किसी से नियंत्रित होते हैं ना आप किसी को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, जिसको हम साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं
कि एसर्टिव बिहेवियर ऐसा होता है या एसर्टिव व्यक्ति ऐसा होता है जो ना किसी से नियंत्रित होता है और ना ही किसी को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, यानी ना तो उस पर कोई हावी हो सकता है और ना ही वो किसी और पर हावी होने की कोशिश करता है, जिसको हम जनरली पावर पॉलिटिक्स या पावर गेम कहते हैं। जनरली हमारे दिमाग में ये एक हमारा कंसेप्शन रहता है कि अगर हमने क्लास को कंट्रोल नहीं किया, अगर टीचर ने क्लास को कंट्रोल नहीं किया, तो बच्चे हम पर हावी हो जाएंगे और वो हमको कंट्रोल करने की कोशिश करने लगेंगे। सिमिलरली हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि अगर मैंने, मतलब हमारा टीचर जो है वो सारी पावर जो है उसके पास नहीं होनी चाहिए, मेरे को भी बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से एक डेमोक्रेटिक क्लासरूम जो है, जिसमें आप और आपके स्टूडेंट्स दोनों एक डेमोक्रेटिक माहौल में रहते हैं और दोनों के पास ये एम्पल, आपके पास ये हम कह सकते हैं यू हैव दैट एम्पल अपॉर्चुनिटी, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है, आप दोनों के पास टीचर एज वेल एज योर स्टूडेंट्स, आप दोनों के पास ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप अपनी बात को रख सकते हैं। सो असर्टिवनेस इज मेंटेनिंग डिग्निटी व्हाइल एक्सेप्टिंग, मींस आप अपनी डिग्निटी को भी कायम रखते हैं और दूसरों को एक्सेप्ट भी करते हैं। ये स्वीकार करना जो है, अपने स्टूडेंट्स को स्वीकार करना या दूसरे व्यक्ति को स्वीकार करना, उसी रूप में स्वीकार करना जिस रूप में वो है, उसकी डिग्निटी का भी सम्मान करना, ये जो है ये असर्टिवनेस या असर्टिव बिहेवियर का एक प्रमुख पक्ष है। आप जितना सम्मान खुद को करते हैं, उतना ही सम्मान जो है आप अपने स्टूडेंट्स का भी करते हैं। जितनी हम कह सकते हैं जितने अच्छे से आप अपनी बातों को रखते हैं, उतने ही अच्छे से जब आपका स्टूडेंट किसी बात को आपसे कह रहा है, तो आप भी उस बात को उतने ही सम्मान के साथ सुनते हैं। यानी कि बच्चों के या स्टूडेंट्स के प्रश्नों का भी उतना ही सम्मान है जितना कि शिक्षक के उत्तर का है। सो असर्टिवनेस इज मेंटेनिंग डिग्निटी व्हाइल एक्सेप्टिंग, इट इज अ क्वालिटी टू विच यू एक्सेप्ट अदर्स थॉट्स आइडियाज while voicing out your own in a confident and logical manner, and thus creates a synergy and harmony in which innovation germinates. ठीक है, तो आप ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें एक ऐसी सिनर्जी, एक ऐसी हार्मनी क्रिएट होती है आपके और आपके स्टूडेंट्स के बीच में, एक ऐसा पॉजिटिव रिलेशन बनता है कि आप का क्लासरूम जो है वो एक इनोवेशन का सेंटर बन जाता है। असर्टिवनेस के प्रीरिक्विजिट्स क्या हैं? हाई सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ एस्टीम हाई होता है। एम्पैथेटिक लिसनिंग, क्योंकि आपका सेल्फ एस्टीम हाई है इसलिए आप बहुत ही एम्पैथेटिक रूप से या सहानुभूति या समानुभूति पूर्वक रूप से दूसरों को सुनते हैं, उनको स्वीकार करते हैं और बहुत ही विनम्रता से, अपनी विनम्रता लेकिन दृढ़ता से अपनी बातों को रखते हैं। असर्टिव होने का मतलब है कि अगर आपके क्लास में कोई बच्चा, क्योंकि जब हम क्लासरूम में होते हैं तो क्लासरूम में हमारे पास बहुत तरह तरीके के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत स्टूडियस होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से नोटोरियस भी होते हैं। उनका कभी कभी बच्चों का ये भी रहता है कि वो क्लासरूम को चलने नहीं देना चाहते हैं, वो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो जब आप टीचर का बिहेवियर असर्टिव होता है तो वो ऐसे बच्चों से कैसे डील करना है, यानी आप उनको डायरेक्टली अपमानित भी नहीं करते लेकिन आप उनको क्लासरूम को डिस्टर्ब करने की स्वतंत्रता भी नहीं देते। जनरली क्या होता है कि जब हमारे क्लासरूम में कोई बच्चा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसका विषय वस्तु से कोई संबंध नहीं है, या कुछ ऐसी बात छेड़ देता है जो आपके विषय वस्तु से संबंधित नहीं है, तो आप क्या करते हैं, हम जनरली उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कंट्रोल करने के चक्कर में या कंट्रोल करने के प्रयास में हम कई बार क्या करते हैं, उसको
दमित करने का प्रयास करते हैं या उस पर हावी होने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब टीचर का बिहेवियर असर्टिव होता है तब वो ऐसे बच्चे की भी स्वीकार्यता है, यानी आपका नोटोरियस बच्चा भी आपके क्लासरूम में वेलकम है और आपको पता है कि आपको इस नोटोरियस बच्चे की शैतानियों से किस प्रकार से डील करना है बिना उसके सेल्फ एस्टीम को किसी भी प्रकार की कोई चोट पहुंचाए। तो असर्टिवनेस क्लासरूम में हम किस प्रकार से यूज करते हैं, हम अपनी आइडियाज को जनरली असर्टिवनेस जो देखिए क्या होता है कि जनरली हम क्या करते हैं, हम सबमिसिव हो जाते हैं जब हम अपने किसी बड़े से बात करने की बड़े से बात करते हैं, यानी जब आप अपने हायरार्की से ऊपर के हायरार्की के किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप सबमिसिव हो जाते हैं, यानी आप अपने आप को उसके द्वारा नियंत्रित होने की छूट देते हैं। और जब आप अपने से किसी हायरार्की में लो व्यक्ति से बात करते हैं तब आप जनरली एग्रेसिव हो जाते हैं, यानी कि आप उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो एक असर्टिव टीचर है उसका जो बिहेवियर है वो अपने से हायरार्की से ऊपर वाले व्यक्ति से बात करे या अपने से हायरार्की से नीचे वाले व्यक्ति से बात करे, उसके बात करने का तरीका उतना ही संतुलित, उतना ही डिग्निफाइड और उतना ही सम्माननीय होता है। ठीक है, तो असर्टिवनेस इन क्लासरूम, गिव वॉइस टू योर आइडियाज, logically present your points, यानी आपको अपने points जो भी आप रखना चाहते हैं उसको बहुत तर्कसंगत ढंग से रखिए, listen to others, ये एक बहुत बड़ी quality है assertiveness की, कि आपको शांति पूर्वक और समानुभूति पूर्वक दूसरे को सुनने की योग्यता आप में होनी चाहिए, listen with empathy, यानी जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि समानुभूति पूर्वक सुनिए, try to get into his shoes, उसके पक्ष में जाकर के सोचने की प्रयास कीजिए कि वैसा क्यों कह रहा है। अगर कोई बच्चा आपके क्लास में नोटोरियस है, परेशान कर रहा है आपको, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अगर आप उसको डांट डपट के चुप करा देंगे तो एट दैट मोमेंट तो आप कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन इस समस्या का कोई स्थायी समाधान आप ढूंढ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप असर्टिव टीचर हैं तो आप उसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पिछले उसमें मृत्युंजय सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था तारे जमीन पर मूवी का, तो जो तारे जमीन पर का जो बच्चा है वो बहुत हाइपर एक्टिव है, वो क्लास में पढ़ना नहीं चाहता, वो लोगों को परेशान करता रहता है, उसका मन नहीं लगता। ठीक है, तो जनरली हम ऐसे में सोचते हैं कि क्या है, हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, जैसा कि पहले हाफ में हम मूवी के देखते हैं कि कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, डांट के, डपट के, अपमानित करके, डफर हो, ये हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करने की कोशिश करते हैं, उस बच्चे का सेल्फ एस्टीम जो है उसको हम तोड़ देते हैं। तो जब किसी बच्चे का सेल्फ एस्टीम टूट जाता है तो फिर उस बच्चे के लिए कुछ पॉजिटिव कर पाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब हम बात कर रहे हैं असर्टिवनेस की, तो हम जो दूसरे उसमें देखते हैं कि आप कारणों की खोजबीन करते हैं, आप लक्षण पर ध्यान नहीं देते, आप इन लक्षणों के कारणों को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई बच्चा मेरे क्लास में बदमाशी कर रहा है, नोटोरियस है, तो उसके पीछे का क्या कारण है, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से वो ऐसी चीजें कर रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आप उससे बातचीत बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप उसको आप उसको सुनते हैं, आप जानना चाहते हैं उसकी समस्याओं को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आप क्लास में असर्टिव कैसे हो सकते हैं। असर्टिवनेस के बेनिफिट्स क्या हैं? इट एंश्योर्स स्पेस फॉर एवरीवन, यानी कि ये सभी के लिए स्पेस एंश्योर करता है, यानी टीचर के लिए भी स्पेस एंश्योर करता है और स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेस एंश्योर करता है। इट एनहेंसेस एक्सेप्टेबिलिटी, जैसे जैसे आप अपने स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करने लगते हैं वैसे वैसे आप देखिएगा कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी भी आपके स्टूडेंट्स में बढ़ने लगती है। ठीक है, आप जैसे जैसे उनको स्वीकार करने लगते हैं वो भी आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आपको भी उतने ही अच्छे ढंग से वो भी स्वीकार करने लगते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आपके ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट है इट एंश्योर्स डिग्निटी फॉर ऑल, ये सभी के लिए एक सम्मानजनक वातावरण का निर्माण करता है जिसमें टीचर्स स्टूडेंट्स जो भी हैं आपके स्कूल कॉलेजेस में जो भी हैं, ये सारे लोगों के लिए एक सम्मानजनक एनवायरनमेंट का निर्माण करता है जिसमें सभी अपनी बात रख सकते हैं। इट मेंटेन्स पॉजिटिविटी एंड वार्म, ये आपके जो कॉलेज या आपके इंस्टीट्यूशन हम कह सकते हैं आपके संस्थान के वातावरण में सकारात्मकता और गर्माहट बना के रखती है। इनोवेटिव आइडियाज पॉप अप, क्योंकि लोग डरे हुए नहीं हैं, वो अपनी चीजों को शेयर करते हैं और वो ये जानते हैं कि उनको उतने ही सम्मान और ध्यान पूर्वक सुना जाता है, इसलिए ऑब्वियसली इनोवेटिव आइडियाज पॉप अप होते हैं और इससे पूरे वातावरण में एक सिनर्जी एक हार्मनी का निर्माण होता है जो कि एक इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। तो जब हम असर्टिव हो जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो चीज होती है वो जब हम एक सकारात्मक एक विधेयात्मक पहल के साथ काम करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो भाषा है उसमें भी सकारात्मकता बढ़ जाती है। सकारात्मक भाषा जो देखिए भाषा दोनों प्रकार की होती है, शाब्दिक भी होती है अशाब्दिक भी होती है। जब हम शाब्दिक भाषा कहते हैं तो हम कहते हैं जो आप शब्दों के माध्यम से जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, शब्दों के माध्यम से जितना हम कम्युनिकेट करते हैं उससे कहीं ज्यादा, यानी अगर ये कहा जाए कि अगर हम 10% शब्दों के माध्यम से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उससे कहीं ज्यादा मीन्स लगभग 90% जो है वो हम अपने अशाब्दिक संकेतों से बताते हैं, जिसको कि बॉडी लैंग्वेज जेस्चर्स या फेशियल एक्सप्रेशंस कहा जाता है। तो जब आप आपका बच्चा आपसे कोई प्रश्न पूछा समझ लीजिए या उसने आपसे कुछ बात कही तो आपने आपने क्या उसको वर्बल क्लूज दिए, वो तो उसके लिए महत्वपूर्ण है ही, साथ ही उसके लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि आपका बॉडी लैंग्वेज आपके फेशियल एक्सप्रेशंस किस प्रकार के आते हैं। जनरली जब हम किसी चीज जब हमको लगता है कि अरे ये तो अभी कुछ भी टाइम पास वाला प्रश्न पूछेगा और पूरे क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा, अगर हमारा माइंडसेट ऐसा रहता है तो जैसे ही बच्चे प्रश्न पूछते हैं तो जनरली हमारे हमारे देह भाषा या हमारी बॉडी लैंग्वेज से वो चीज ऑब्वियस हो जाती है, भले हम कहें लेकिन जो हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसको ये संकेत दे देता है कि मेरा ये प्रश्न वेलकम नहीं है या मेरी ये बात वेलकम नहीं है। कई कई बार क्या होता है जैसे किसी बच्चे ने कोई चीज पूछी आपके क्लासरूम में या उसने कोई आपने कोई प्रश्न पूछा उसका उसने कोई उत्तर दिया तो कई बार क्या होता है कि पूरी क्लास हंस देती है या आपके भी चेहरे पे कभी कभी ऐसा टीचर्स के साथ तो बहुत कम होता है लेकिन अक्सर देखा जाता है कि पीयर ग्रुप उस बात पे बहुत ही मतलब हंस देते हैं या मजाकिया तरीके से उस पर रिएक्ट करते हैं। तो अगर इस तरीके का रिएक्शन होता है तो बच्चा या जो भी आपका स्टूडेंट है, यहाँ पे हम स्टूडेंट कहना चाहेंगे, तो जो आपका स्टूडेंट है वो क्या होता है इस बात से वो हर्ट होता है, उसका सेल्फ एस्टीम जो है इस बात से हर्ट होता है और उसको ऐसा लगता है कि अगर भविष्य में अगर उसको कोई बात रखनी है अगर उसको कोई प्रश्न पूछना है तो वो 10 बार सोचता है, वो हिचकता है, उसको लगता है कि अगर मैं ये कुछ पूछूंगा तो यहाँ तो सब मेरे ऊपर हंसने लगेंगे या मेरा तो मजाक बना देंगे। या कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई हमारा बच्चा जो है वो किसी ऐसी भाषा ऐसी मातृभाषा को बोलता है या ऐसे भाषा क्षेत्र से आया हुआ है कि उसको हिंदी या इंग्लिश जो हम यहाँ पे बोलते हैं इन भाषाओं का जब वो उच्चारण करता है तो कहीं कहीं उसको कुछ दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से किसी खास कोई खास शब्द का जब वो उच्चारण करता है तो उससे कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसे में अगर हम उस आपका जो मतलब उसका जो पीयर है जो कि क्लासमेट है अगर उसका मजाक उड़ाते हैं मजाक बनाते हैं तो इस तरीके से क्या होता है कि उसका सेल्फ एस्टीम डाउन होता है और वो आगे आपके क्लास में पार्टिसिपेट करने से हिचकता है। क्योंकि हम सभी टीचर्स हैं और हम जानते हैं कि लर्निंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी ये ऐसा एक वन वे प्रोसेस नहीं है
जिसमें सिर्फ टीचर बोलता ही बोलता जाए या टीचर बहुत ज्ञानी है और जो सामने वाला बैठा है उसको तो उसको बस देना है, और जो सामने लर्नर है उसको क्या करना है, सिर्फ एक्सेप्ट करना है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं तो हम देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के बहुत सारे हमको मतलब इसके इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारी खामियां हैं। अगर हम लर्नर को सिर्फ पैसिव मान के चलते हैं तो हम देखते हैं उसका लर्निंग आउटकम, जो हम पहले बात कर रहे थे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, तो आप देखेंगे कि जो लर्नर पैसिव है उसका लर्निंग आउटकम और जो लर्नर एक्टिव है उसका लर्निंग आउटकम, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। जनरली हम कोशिश करते हैं कि हम अपने क्लासरूम में अपने लर्नर्स को एक्टिव कैसे बना के रखें, हम उनको अपनी विषय वस्तु में इंटरेस्टेड कैसे बना के रखें। तो ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब आप खुद सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए ताकि बच्चों में जो है उसमें किसी भी प्रकार का भय का वातावरण ना हो और बच्चा जो है फ्रीली आपसे कम्युनिकेट कर सके, अपने संदेहों को बता सके, अपनी जिज्ञासाओं को बता सके। इवन अगर उसको किसी विषय वस्तु को लेकर के डर है, तो उसको लगता है कि ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, उन चीजों पर भी वो आपसे खुल के बात कर सके। तो हम पॉजिटिव लैंग्वेज अपने क्लासरूम्स में कैसे यूज कर सकते हैं या पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करने से क्लासरूम में कौन से फायदे होते हैं? Ensures पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी ऑब्वियस बात है कि अगर आप अपने शाब्दिक या अशाब्दिक दोनों ढंग से आप किसी को सकारात्मक संदेश दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके क्लासरूम का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो सकारात्मक हो जाता है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इस सकारात्मकता की शुरुआत जो है वो हमारे एंड से ही होनी चाहिए। जैसे जैसे हम अपना एक्सेप्टेंस बढ़ाते जाएंगे अपने डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स जो कमजोर है, वो स्टूडेंट जो जिसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, वो स्टूडेंट्स जो स्लो लर्नर है, वो स्टूडेंट जो डेलिंक्वेंट्स है, तो इन चीज इन स्टूडेंट्स के ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट्स हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम जितना अपना एक्सेप्टेंस बढ़ाते जाएंगे हमारे क्लासरूम का एनवायरनमेंट उतना पॉजिटिव होता जाएगा। और वो बच्चा आप देखेंगे कि उस बच्चे में आपको फर्क नजर आने लगेगा। ये क्या करता है, ये लर्नर्स के प्रेशर को जो है वो रिड्यूस करता है। आपके और लर्नर के बीच में मीन्स टीचर लर्नर जो रिलेशनशिप है उसमें फ्रेंडलीनेस और वार्म्थ मेंटेन करता है, लर्निंग को एनकरेज करता है, टू वे कम्युनिकेशन को एनकरेज करता है। आपका बच्चा आपसे कोई भी बात पूछने में हिचकता नहीं है, वो बहुत कॉन्फिडेंस इससे अच्छा इससे क्या होता है, इससे आपके बच्चे प्रेरित भी होते हैं, मोटिवेट भी होते हैं और उनका कॉन्फिडेंस जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी काफी इम्प्रूव होता है, ठीक है। और ये आपके लर्निंग आउटकम्स को भी बढ़ाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव लैंग्वेज के हमको फायदे क्या क्या हैं? ऑब्वियसली पॉजिटिविटी तो है ही है, इससे लोग प्रेरित होते हैं, एक दोस्ताना माहौल बना रहता है जिसमें सारे लोग मिलजुल करके एक 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 कुछ नया ढूंढने की, कुछ नया जानने की, कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हेजिटेशन जो है ये लर्नर्स के हेजिटेशन को रिमूव कर देता है, उनकी लर्निंग को बेटर करता है और मैक्सिमम लर्निंग आउटकम जो है उसको एंश्योर करता है, ठीक है। मुझे इन बातों पर मतलब मेरी तरफ से इतनी ही बात कहने की, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब आप इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं तो आप इस चीज को, एक छोटा सा मेरा एडिशन है इसमें, कि जब आप इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि कोई भी नया जीवन जो है वो अंदर से बाहर की ओर आता है। मींस जैसे कि स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि शिक्षा मानव में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यानी वो पूर्णता हम सब में, हम हमारे सारे बच्चों में, सारे स्टूडेंट्स में ऑलरेडी है। शिक्षा क्या करती है, उसको अभिव्यक्त करने में, उसको मैनिफेस्ट करने में मदद करती है। तो ये जो पूरा शिक्षा का कार्यक्रम है ये बाहर से अंदर की ओर ना हो करके
अंदर से बाहर की ओर है। जैसे आप देखेंगे कि अंडा अगर आप बाहर से फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन जब अंडा जब भी जीवन पाता है तो वो अंदर से फोर्स लगाता है, उसको टूटता है और उसमें नए जीवन का संचार होता है। इसमें एक चीज ये भी बात ध्यान में रखने वाली है जो मुझे याद आती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके बीज, आपके स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग बीज की तरह है। कोई आम के पेड़ का बीज है, कोई इमली का बीज है, तो कोई किसी का बीज है। हम क्या करते हैं, हम उनको सबको जनरलाइज कर देते हैं और हम एक जनरल आउटकम की कोशिश करते हैं कि हमारे सारे बच्चे इसमें एक जैसा वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेरा ये कहना है कि आप अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को थोड़ा सा सम्मान देंगे कि हर बच्चा अपने आप में अलग है, और ये शिक्षक का काम क्या है, शिक्षक का काम है केवल उसको वो वातावरण दे देना, यानी आम के पेड़ को उसको पुष्पित पल्लवित होने के लिए जिस प्रकार का वातावरण चाहिए शिक्षक उसको वैसा वातावरण दे, इमली के पेड़ को जैसा चाहिए उसको वैसा वातावरण दे। ठीक है, अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हम जनरली अपने लर्नर्स को उनका जो वो जहां तक पहुंच सकते हैं उनका 100% वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज में हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि बाहर से धक्का दे करके आप किसी दरवाजे को तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी से दरवाजा खुलवाना है तो आप उसको नॉक कर सकते हैं, और जो मतलब इफेक्टिवनेस या लीडरशिप या जो भी आप कहें उसका दरवाजा जो है वो अंदर से बंद रहता है, तो वो अंदर से ही खुलेगा। बस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी का, और आशा करती हूँ कि मैंने जो कुछ भी आपके साथ शेयर किया ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आप इस विषय पर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। एनीवन वांट टू आस्क अ क्वेश्चन? यस प्लीज मैम। आई थिंक मैम everyone सबके doubts clear हैं, so thank you madam for your interesting you. session about time management and various topic, because nowadays in a stressful life it is very important for us to manage time, so thank you for that madam. Now I request Dr. S K Yadav sir, organizing secretary, for vocal. Thanks. Yadav sir, उसे पहले हमारे जो आपका webinar किनका क्वेश्चन है सर ये? ओके जिनका भी है, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। मेरे साथ मैडम प्राची भी यहाँ पे हैं, प्राची ठाकुर मैडम मेरी को ट्रेनर, मेरे साथ हमेशा लेक्चर में रहती हैं वो, मैं उनको भी चाहूंगा अनम्यूट कर लें अपने आप को। वो मैडम प्राची ठाकुर प्लीज, प्राची ठाकुर मैडम को अनम्यूट कर दिया जाए। यस सर, यस सर। Thank you. Ma'am, there is a question from one of the participants that how to deal with the misbehaving students. So, main ye kehna chahunga, sir, bichhu apne dunk marne ki pravritti nahi chhod sakta, to sadhu apne sadhuvad ki pravritti kaise chhod de? Ek insight hai mera ye, isko aise bhi le sakte hain, is questions ko aise bhi liya ja sakta hai. स्टूडेंट जितनी जल्दी मोटिवेट होते हैं उतनी जल्दी डीमोटिवेट भी हो जाते हैं वो। हम बहुत कोशिश करते हैं उनको मोटिवेट करने की, बहुत कोशिश करते हैं कि वो हमारे रिदम में आए, वो रैशनल थिंकिंग की तरफ आए, वो असर्टिव रहे, बट नहीं, वो उनके अंदर अग्रेसिवनेस आ ही जाता है। एंड मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर वो मिसबिहेव कर रहे हैं
to be tried to be assertive. ना हमें submissive होना है, ना हमें aggressive होना है, ना हमें उससे गुस्सा कर बात करना है, ना हमें उससे submissive होकर बात करना है. हमें तथ्यों को रखना है. वो एक बार में नहीं सुनेगा, दो बार में नहीं सुनेगा, तीन बार में नहीं सुनेगा. वो डंक मारेगा, उसकी डंक मारने की प्रवृत्ति है. लेकिन हम भी साधु हैं, साधुवाद की प्रवृत्ति हमारे अंदर है. थैंक यू वेरी मच मैडम प्राची. इफ यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज. मेनी अ टाइम्स वी फॉरगेट वन थिंग दैट समबडी व्हेन समबडी इज मिसबिहेविंग maybe their intention is to attract attention. उसके पीछे कारण ये हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में फेलियर है इंसान, तो इंसान ऐसे मिसबिहेव करके हीरो बनने की कोशिश करके अपने ईगो को सेटिस्फाई करने की प्रयत्न करता है. तो जैसे हमारे कॉलेज में काउंसलिंग अवेलेबल है, इफ वी कन्विंस देम टू मीट काउंसलर मैडम फॉर वन सेशन और समथिंग लाइक दैट. मैं ये नहीं कहूंगी कि हर केस में ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ केसेस में ये हो सकता है और कुछ केसेस काउंसलिंग इंटरवेंशन के माध्यम से ठीक किए जा सकते हैं. थैंक यू. ओवर टू यू मृत्युंजय सर. हाँ, एक क्वेश्चन और है. हमारे एक पार्टिसिपेंट है श्री माया राम जी, और इन्होंने यूट्यूब चैट पे क्वेश्चन भेजा है कि COVID-19 के कारण जो निगेटिविटी आ गई है, उस निगेटिविटी को हम कैसे दूर करें. एक दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन जो मायाराम जी का ही है, वो ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारा किसी के साथ कुछ विवाद हो जाता है, कुछ बुरी स्थिति निर्मित हो जाती है और बार बार उनको देख करके हमको गुस्सा आता है, अगर हम कॉलेज आते हैं तो किसी स्टूडेंट के ऊपर गुस्सा आता है, हमको तो रोज आता है उसको देख के, तो इन चीज़ों से हम कैसे कोप अप करें. मैडम दीमा बताएंगे आप. जी जी सर, प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज दैट मैम, शुक्ला सर कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. मैडम, हमारे पार्टिसिपेंट है माया राम जी, उन्होंने दो क्वेश्चन किए हुए हैं. जी, पहला तो यह है कि जो COVID-19 के कारण नेगेटिविटी आ गई है लोगों के दिमाग में, उसको हम कैसे दूर करें, और दूसरी चीज ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारा किसी बच्चे के साथ विवाद है और ऐसा होता है कि हम जब भी कॉलेज आते हैं तो रोज हमको उनको देख करके गुस्सा आता है, तो उस गुस्से पे हम कैसे कंट्रोल करें. जी जी बिल्कुल. तो जो आपका जो पहला प्रश्न है कि जो COVID-19 की वजह से जो नेगेटिविटी आ गई है, उस चीज को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं. देखिए, COVID-19 की वजह से आप पर्टिकुलरली किस वजह से आप इफेक्टेड हो रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से आप इफेक्टेड हैं, जिस वजह से आप लोगों से मिलजुल नहीं पा रहे हैं, तो आपको इमोशनली आप डिप्रेशन में आ रहे हैं, या आपका फिनेंशियल कोई इशू है. तो जिस प्रकार का इशू है, हम उसको उस प्रकार से ही मैं कहूंगी कि उसको डील करना चाहिए. अब मुझे नहीं पता पार्टिसिपेंट्स कितने, मतलब उनका फिनेंशियल इशू है तो फिनेंशियल इशू के लिए अगर हम कोई तुरंत का रेमेडी देना चाहेंगे तो वो तो पॉसिबल है नहीं. लेकिन अगर कोई इस तरीके का वजह है कि हाँ हम फाइनेंशियली साउंड है, लेकिन फाइनेंशियली साउंड होते हुए भी किसी वजह से हमें नेगेटिविटी आ गई है, ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, कहीं हमको भी तो नहीं हो जाएगा, या इस तरीके से हम क्योंकि हम लोग मिलजुल नहीं पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हमको थोड़ा सा स्ट्रेस या नेगेटिविटी हो रही है. इसकी वजह से जैसा कि मैं आप सब देख ही रहे हैं कि आप डिफरेंट तरीके से लोगों से जुड़ने का प्रयास कीजिए. अगर आप उनसे आमने सामने जुड़ भी नहीं पा रहे हैं, अभी पॉसिबल नहीं है, तो आप लोगों से कनेक्टिविटी को बनाए रखिए, चाहे वो फोन के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से हो, किसी ना किसी तरीके से आप अपनी चीजों को शेयर करिए. शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हैंडलिंग नेगेटिविटी. जैसे आप शेयर करते हैं तो आपके शेयर करने से आपके अंदर की नेगेटिविटी जो है वो काफी हद तक कम हो जाती है. ठीक है. दूसरा, आपने कहा कि जो विवाद है, वो विवादों को आप किस तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हैं, या उसको आप देखते हैं तो आपको इरिटेशन होता है. तो देखिए, इरिटेशन कब होता है, जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ और जो सामने वाला है वो गलत है. सिमिलरली जो सामने वाला है उसको भी ऐसा ही लगता है कि मैं सही हूँ
और जो ये सामने वाला व्यक्ति है, यानी स्टूडेंट को लग रहा है कि मैं तो सही था, शिक्षक गलत था, और शिक्षक को लग रहा है कि मैं तो सही था और ये स्टूडेंट जो है ये गलत था, तो इस ये कई बार इसमें क्या होता है, एक्सेप्टेंस की ही प्रॉब्लम होती है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम सामने वाले को समझ नहीं पाते। जाहिर सी बात है कि अगर वो हमारा स्टूडेंट है तो अभी उसका शायद मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं है जितना कि हमारा है। तो मैच्योर बिहेवियर की अपेक्षा एक शिक्षक से ही है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आपको ही शुरुआत करनी होगी एक्सेप्टेंस की, स्वीकार करने की, है ना। हम जैसा चाहे वैसे ही हमको लोग मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपके स्टूडेंट्स बहुत तरीके के होंगे, जिसमें से ऐसा भी हो सकता है कोई आपको आपके साथ अब्यूसिवली बात किया होगा, या किसी इस तरीके से आपके साथ झगड़ा, जो जैसा भी हो आपका मैटर, लेकिन उस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये कि ये व्यक्ति जो है, जैसा कि सर भी कह रहे थे कि ये इसका स्वभाव है, इसके स्वभाव को बदलने के लिए मैं अपना स्वभाव क्यों बदलू, मेरा स्वभाव बदलना तो सही नहीं है। और ये मैच्योरिटी कौन दिखाएगा, ये मैच्योरिटी शिक्षक ही दिखाएगा। शिक्षक अगर एक्सेप्टेंस की शुरुआत करेगा और वो देखेगा कि अरे मैं इसको इतने देर से इसको परेशान करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये बंदा तो परेशान ही नहीं हो रहा है, तो अगर ये चीज उसके मन में मतलब अगर हम कहीं ये चीज उस तक पहुंचा सके कि आप ये सारा जो कुछ भी कर रहे हैं इससे हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो वो अपने आप इन चीजों को करना बंद कर देता है। जनरली लोग ये चीजों को कब बढ़ा देते हैं, जब आपको जब बच्चे को लगता है कि हाँ शिक्षक तो इस चीज से प्रभावित हो रहा है, वो तो जो मैं करना चाहता था वो तो मैंने कर लिया, मुझे उनको हर्ट करना था या अपमानित, मतलब वो प्रभावित हो रहा है। अगर ये संदेश आप उस तक पहुंचा देते हैं तो वो आपसे ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि आपका रिमोट कंट्रोल तो आपने उसके हाथ में दे दिया, उसने चाहा कि आपको गुस्सा दिला दे और आप गुस्सा हो गए। तो इस तरीके से मैच्योर बिहेवियर जो है वो मैं सोचती हूँ कि वो शिक्षक की तरफ से होना चाहिए, शुरुआत उसकी शिक्षक की तरफ से होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे स्टूडेंट्स में भी इसका वो हमको देखने को मिलता है। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। अब मैं इस कार्यक्रम के अंत में आमंत्रित करता हूँ इस वेबिनार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर संजय यादव सर का कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। धन्यवाद सर। जैसा कि COVID-19 के इस पीरियड में हमारी सारी पद्धतियों में अंतर आया, उसी में शैक्षणिक पद्धतियां भी हमारी बदली, हम क्लासरूम टीचिंग से ऑनलाइन टीचिंग में आ गए और सेमिनार के स्थान पे वेबिनार होने लगा। तो अनेक वेबिनार हमने अटेंड किए जिसमें सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और स्थानीय समस्याओं से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं तक में वेबिनार होते रहे। और चूंकि हम शिक्षा जगत से जुड़े हैं तो हमारे प्राचार्य महोदय का एक आइडिया है कि क्यों ना ऐसे टॉपिक को हम चुने जो हमारे शैक्षणिक स्तर में वृद्धि करे और हमको एक अच्छा शिक्षक बना सके। जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक ही क्लास में पढ़ाते हैं तो सारे स्टूडेंट एक बराबर नहीं होते, उसी तरह से सारे टीचर भी एक बराबर स्टूडेंट के लिए नहीं होते हैं। तो ऐसा हमारे बिहेवियर में क्या चेंजेस आए जो हमको एक अच्छा टीचर बना सके, इसलिए हमने सोचा कि इस टॉपिक पे हम एक वेबिनार का आयोजन करें। और इस वेबिनार के आयोजन में हमको जिन्होंने भी सहयोग दिया, हमारे मुख्य अतिथि श्री अजीत कुमार जी, हमारे रिसोर्स पर्सन मृत्युंजय रंजन जी, रीमा मैडम, उन सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। और इस कार्यक्रम के कन्वेनर डॉक्टर संदीप शुक्ला, मेरे कलीग श्री राजकुमार राठौर सर, श्री गुप्ता सर, मौर्य सर, मिस ज्योति राठौर मैडम, मिस कल्पना कंवर मैडम और पूरे महाविद्यालय परिवार का भी आभारी हूँ। और अंत में आप सभी ने इसे धैर्य पूर्वक सुना, इसलिए सभी सारे श्रोता गणों का भी मैं आभारी हूँ। थैंक यू। फीडबैक का लिंक यूट्यूब के चैट बॉक्स पर है। आप सबसे अनुरोध है कि फीडबैक आज रात 12 बजे से पहले आप इसको फिल कर दें, क्योंकि 12 बजे के बाद ये लिंक बंद हो जाएगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि फीडबैक फॉर्म आज रात 12 बजे के पहले आप जरूर भर देंगे। आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।